मैं कहूँगा कि मैंने 4 हफ्ते की जो जर्नी की है, मैं पहले जब गया था तो मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी, आपने सब देखा, मैं व्हीलचेयर पे वहाँ पे चल रहा था। 15 दिन हुए थे मुझे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, बहुत डबल माइंडेड था, डॉक्टर्स ने कहा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैंने जाने का निर्णय किया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेकर्स को, जियो सिनेमा को, आंदे मॉल को, जिन्होंने YCOM 18 को, जिन्होंने मेरी मदद की वहाँ पर। और जब मैं घर में गया तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं 2 दिन रहूँ, हफ्ते भर रहूँ, लेकिन 4 हफ्ते वहाँ पर बिता के आया हूँ, बहुत कुछ सीख कर आया हूँ, बहुत कुछ सिखा कर आया हूँ। उम्मीद है कि जो सिखाया है मेरी सीख लोग याद रखें, अपने अनुभव, मेरे अनुभव का इस्तेमाल करें, और जो मैंने सीखा है वाकई में उसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। जब हम घर से बाहर आ रहे थे तो काफ़ी जगह घर के अंदर लोग रो रहे थे, रणवीर, कटारिया और शिवानी, तो सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ आपको हुई है? देखिए, मेरे साथ सबके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कहूँगा कि मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। सब लोग मेरे पास आते थे, अच्छी बुरी बातें करते थे, अच्छी बुरी बातें सुनते थे, सुनाते थे। हमारा एक रिश्ता था और वो रिश्ता समय के साथ डेवलप हुआ है। एक महीना बड़ा वक्त होता है एक छत के अंदर रहना, इस डिजिटल युग में ना टीवी देखना ना फ़ोन आपके पास, हमारे पास है था भी तो वो एक सर्टेन टास्क के लिए था, बाहर वाला के लिए वो फ़ोन दिया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई रह सकता है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि बिना टीवी पे न्यूज़ देखे मैं रह भी सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, लेकिन ये एक महीने का वक्त हमने साथ में गुजारा है। मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था, और ट्रॉफ़ी जीतना मेरा मकसद कभी था ही नहीं, मैं दिल जीतने गया था। और वाकई मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कई दिल जीत कर आया हूँ, उनके आंसू इस बात के गवाह हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे किसी से इस बात की नाराज़गी नहीं है कि किसने मुझे नॉमिनेट किया किसने नहीं किया। बिग बॉस के घर में मुझे कोई परमानेंटली नहीं रहना था, 4 हफ्ते बाद नहीं तो 6 हफ्ते बाद शो ख़त्म होना था और मुझे बाहर आ जाना था। ये बात ठीक है कि मैं 4 हफ्ते बाद नॉमिनेट हुआ, ये भी ठीक है कि रणवीर ने मुझे नॉमिनेट किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रणवीर ने जो किया, हमारी ज़िंदगी में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसके लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है, रणवीर भी मेरे लिए माध्यम बने, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। हाँ, अगर कोई कर्मा की बात कहता है तो मैं कहूँगा कि ये मेरे अच्छे कर्म हैं कि मैं इस विपरीत हालात में भी बिना किसी बड़ी मुसीबत के बिग बॉस में एक महत्वपूर्ण महीने बिता कर आया हूँ, और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। मैं इस लायक उनको नहीं समझता कि उनके बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करूँ। क्या बात है सर, अकॉर्डिंग टू यू सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स कौन लगते हैं इस समय बिग बॉस हाउस में? मेरे ख्याल से बिग बॉस के घर में इस वक्त जितने भी लोग बचे हैं वो लोग बड़े काबिल हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और मुझे लगता है सभी इस काबिल है। अगर कोई हारेगा और जीतेगा भी तो उन दोनों का फासला बेहद कम होगा। आपने रिश्तों की बात की, कहीं ना कहीं वही आपके बाहर आने का कारण नहीं बना, तो कहीं आपको ऐसा लगता कि आपके जरिए जो 4 हफ्तों की रही है वो और लंबी हो सकती थी, बिकॉज आपको चाहने वाले काफी लोग थे, बट रिश्तों ने आपको डुबा दिया? क्या फ़र्क पड़ता है सर, कोई ना कोई तो किसी को डुबोता है। देखिए, ज़िंदगी में जो है ये जो यहाँ लिखा होता है इसको कोई नहीं बदल पाता, होनी को कोई नहीं बदल सकता। मेरी माँ कहा करती थी कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, मतलब ये प्लान फॉर 100 ईयर्स, हम अपनी ज़िंदगी 100 साल के हिसाब से प्लान करते हैं कि 20 साल में ये करूँगा, 30 साल में ये करूँगा, 40 में ये करूँगा, 50 में ये करूँगा, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में अगले पल घटने वाला होता है इसकी हमें खबर नहीं होती। मैंने ये देखा नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट आप उनके साथ में रहे हो, क्या आपको अदनान? मुझे नहीं पता कि कौन फैजू है कौन क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। बिग बॉस के हाउस में भी आए थे? मैं नहीं था उस वक्त। सर, शिवानी के साथ जैसा उसके भाषा को लेकर घर में बात होती है, आपके साथ काफी देखा गया कि बैठती थी आप समझाते थे, तो कैसा उसका भाषा है या स्वभाव है कुछ बताना चाहेंगे? स्वभाव से बहुत सरल है, थोड़ी ज्यादा बोलती है, ज्यादा मजाकिया है,
लेकिन उसको गलत लोग उसकी भाषा के कारण समझते हैं। मुझे मुझे ये लगता है कि जिस इलाके से आती है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहाँ कई भाषाओं का और बोलियों का मिक्स बोला जाता है, वहाँ की लैंग्वेज इसी तरीके की है। तो मैंने यही लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने यही एके को भी बताने की कोशिश की थी वीकेंड का वार में। और मेरा ये मानना है कि शिवानी समय के साथ बदली है, सीखी है, और ये उसकी व्यक्तित्व में भी जल्दी दिखेगा। सर, आप अरमान मलिक फैमिली से भी काफ़ी क्लोज रहे हैं, पायल सबसे पहले घर से निकल गई हैं और कृतिका अभी भी बनी है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कृतिका कुछ नहीं कर रही है, पायल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कृतिका और पायल में से कौन सा स्ट्रॉन्ग था और किसको घर में रहना ज़्यादा डिजर्विंग था? मैं ऑडियंस क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इसके हिसाब से किसी को वैल्यू जज नहीं कर सकता। आपके अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं, दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग था? मेरे हिसाब से दर्शक इसके बारे में डिसाइड करेंगे। सर, कटारिया के साथ जिस तरह रणबीर के साथ झगड़ा होता था और दोनों के विशाल के साथ भी, तो उस पर आप क्या देखते हैं, कौन सही था कौन गलत था कुछ अपना? मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ लोगों को ये कहता था कि अगर कोई बड़ी उम्र का है उसका सम्मान करो, अगर कोई छोटा भी आपको बड़ी सीख दे रहा है उसका सम्मान करो, यही बात मैं लोगों को कहा करता था। और ज़्यादातर मौके पे लोगों ने, मेरे हाउसमेट्स ने, फेलो हाउसमेट्स ने इस बात को सुना। सर, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जिसके साथ आप रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे? मुझे ऐसा कोई नहीं लगता। अदनान में जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया, क्या उसके बाद भी आप सारा गिला शिकवा भूल जाएंगे? मैं कमेंट कर चुका हूँ कि इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सीजन जो बिग बॉस का जा रहा है वो उसकी टैलेंट काफी लो जा रही है, इसकी वजह से बार बार वाइल्ड कार्ड एंट्रीज लानी पड़ रही है, कभी अंकुश को बुला रहे, कभी फेजू को बुला रहे, फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? यार, OTT की TRP कहाँ आती है मेरे भाई, शब्द तो सही सोचो। आपने कहा था कि शिवानी से मिलने जाएंगे उसके घर, तो जाऊँगा जाऊँगा बिल्कुल जाऊँगा। सर, बिग बॉस के बाद आपने मतलब आपके लाइफ में मतलब अभी क्या चेंजेस आए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? एक दिन में तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। सर, आपने वेट कितना लूज किया, क्योंकि बिग बॉस इसीलिए जाना जाता है कि लोग अंदर जाने के बाद वेट तो जरूर लूज कर लेते हैं 4-5 किलो। अभी मैं अपने जो वेट स्केल है उस पर चढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वेट मैंने जरूर लूज किया। घर के अंदर थे तो आप फिजिकली फिट नहीं थे, तो कितनी परेशानी हुई आपको और कौन से लोग जो आपको हेल्प किया? मुझे हर इंसान ने मदद की जो उस घर के अंदर था, चाहे वो मुझसे बात करता हो ना करता हो, मुझे पसंद करता हो ना पसंद करता हो, हर इंसान ने मेरी मदद की है, किसी ना किसी रूप में मदद की है, और मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, टॉप 3 में कौन हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टॉप 3 में मैं खुद हूँ। तारा, थैंक यू। मैं कॉल लगा देता हूँ, चिंगम दे देना।